नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज, जय वेंकटेश जी, सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में कब होता है और इसे कैसे देखा जाता है। प्रिय मित्रों, पहले तो मैं आपको बताने चाहता हूँ कि काल सर्प दोष से घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। काल सर्प दोष एक्चुअल में देखा जाए तो कोई ऐसे ग्रंथ में लिखा ही नहीं है काल सर्प दोष होता है। पहले तो आप समझ लीजिए काल सर्प दोष व्यक्ति क्यों कहता है और अपने जीवन में कब कहता है। आप जब कुंडली दिखाने जाते हैं किसी को तो वहां यही कहा जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए काल सर्प दोष से घबराने की बात नहीं है। काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ काल सर्प दोष का निर्माण होता कैसे है, क्यों कोई कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो पहले समझ लीजिए राहु और केतु ये जो दो ग्रह हैं, जब भी राहु और केतु के अंतःकरण में सभी ग्रह आके स्थापित हो जाएं, राहु केतु के मध्य में जब कुंडली में देखें कि राहु केतु के मध्य में जब सब ग्रह आकर के स्थापित होंगे तो ही ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है, तभी ये काल सर्प दोष कहा जाता है, न कि कोई काल सर्प दोष होता है। सूत्र यही है कि राहु केतु ये हैं, अगर इनके अंतः में सब ग्रह आके स्थापित हो जाए तो ही एक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, आज जो मैं वीडियो में बताने चला हूँ संपूर्ण जानकारी, मेरा विचार है कि मैं 12 भावों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं प्रथम भाव को लेता हूँ, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी प्रथम भाव में यानी पहले स्थान से यदि काल सर्प योग बन रहा है तो क्या फल मिलेगा और क्या अशुभ फल मिलेगा, और इनके जीवन में कब व्यक्ति ग्रोथ करेगा या कब व्यक्ति टेंशन में रहेगा, या ऐसा तो नहीं काल सर्प दोष सिर्फ चिंताजनक है, कतई नहीं। काल सर्प दोष व्यक्ति को राजा बना सकता है, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो आज जो मैं वीडियो बताने चल रहा हूँ संपूर्ण जानकारी कि काल सर्प दोष जो है क्या लाभ देगा और क्या हानि देगा, इनका उपाय, इनका मंत्र जाप, इनका निदान, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे प्रस्तुत करने प्रेम। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, आज का जो मुख्य विषय है काल सर्प दोष, काल सर्प योग। तो हम प्रथम भाव को लेते हैं तो देखिए 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है, 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है। तो आज हम पहले भाव को लेंगे, देखिए काल सर्प योग अनंत काल सर्प दोष, यानी प्रथम भाव में अगर राहु है तो वहां अगर काल सर्प योग बन रहा है तो अनंत काल सर्प योग, यानी प्रथम भाव में अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। और देखिए दो प्रकार का जो काल सर्प योग बताए होते हैं, उदित काल सर्प योग, यानी उदित काल सर्प माने राहु मुखी जो काल सर्प दोष होता है वो काफी हद तक कष्ट देता है। तो प्रथम भाव से लेकर के खष्टम भाव तक कुंडली का, पहले भाव से लेकर के छठवें भाव तक उदित काल सर्प योग होता है, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। तो इसे राहु मुखी काल सर्प दोष कहते हैं, जो कि काफी ही हद तक हानिकारक है, अशुभ कारक है। और एक बोलते हैं अनुदित काल सर्प योग, माने ये बोलते हैं केतु मुखी काल सर्प योग, जिसमें सप्तम से जब जो है प्रथम भाव तक, सप्तम से प्रथम भाव तक जो होता है अनुदित काल सर्प योग होता है। जैसे उदाहरण रूप यहाँ देख लीजिए, अगर राहु यहाँ बैठा होगा, प्रथम भाव राहु बैठा होगा तो यहाँ देखिए उदित काल सर्प हो गया, तो राहु जहां बैठता उसके सप्तम भाव में केतु बैठता। जैसे देखिए अगर राहु यहाँ बैठा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में केतु बैठ, क्योंकि जहां रहोगा उसके अपोजिट जो है केतु रहेगा। तो ये देखिए उदित काल सर्प योग हो गया, माने राहु मुखी काल सर्प योग हो गया। तो राहु अगर यहाँ रहेगा तो केतु यहाँ रहेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन जब सप्तम भाव आएगा तो राहु यहाँ हो जाएगा, इसके अपोजिट जो है केतु हो जाएगा। तो उदाहरण के रूप में आप सरलता समझ लीजिए कि उदित काल सर्प योग होता है काफी हद तक जो है हानिकारक होता है, प्रथम भाव से लेकर के छठवें भाव तक, लेकिन सप्तम भाव से लेकर के जो है प्रथम भाव तक जो है अनुदित काल सर्प योग होता है, जो कि काफी हद तक केतु का काल सर्प योग माना गया है, काफी हद तक लाभकारी होता है। प्रिय मित्रों, देखिए प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है, तो आज हम पहले भाव को लेते हैं। तो देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं, तो ये प्रथम भाव हो गया, इसी यहाँ एक से लेकर बाद तक कोई भी अंक हो पहला स्थान पहला लग्न भाव यही कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव है। तो आज हम पहले भाव को ले रहे हैं, प्रथम भाव को। प्रथम भाव यदि राहु बैठा हो
और केतु, क्योंकि मैंने पहले बताया जहां राहु बैठेगा उसके अपोजिट केतु बैठेगा। अगर राहु प्रथम भाव बैठा और केतु यहां आ जाएगा सप्तम भाव में, और जितने भी ग्रह हैं राहु और केतु के मध्य में यहां आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 देखिए, एक यहां से मैंने प्रथम तो यही हो गया, तो यहां से 1 2 3 4 5 ये जो ग्रह हैं, क्योंकि केतु यहां है और प्रथम में राहु है, जब भी इनके अंतःकरण में सब ग्रह आ जाएंगे तो इन्हें पूर्ण काल सर्प योग बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग, तो यहां देखिए आंशिक काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई ग्रह एक भी बाहर निकल जाए तो काल सर्प दोष नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यदि चंद्रमा सिर्फ बाहर निकल जाए, चंद्र ग्रह अगर इनसे बाहर निकल जाए तो उन्हें आंशिक काल सर्प योग बताया गया है। जैसे सूत्र यही याद रखिए कि राहु केतु, मैं प्रथम भाव को बता रहा हूं कि राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह भी आ जाएंगे तो पूर्ण काल सर्प योग बताया गया। अगर एक भी ग्रह अगर बाहर निकला है तो काल सर्प योग नहीं माना जाएगा, लेकिन आंशिक काल सर्प योग बताया कि चंद्रमा ग्रह सिर्फ बाहर हो तो उन्हें आंशिक काल सर्प योग बताया गया। प्रिय मित्रों, अब हम लेते हैं प्रथम भाव को। यदि प्रथम भाव में राहु बैठा हो तो अगर पहले भाव में काल सर्प योग बना रहे, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, तो क्या स्थिति पैदा होगा? तो पहले भाव से देखिए क्या क्या देखिए, व्यक्ति का स्वभाव, रूप, रंग, अपजस, आत्मविश्वास, अभिमान, ये सब चीज जो है प्रथम भाव से देखा जाए। मैंने प्रथम भाव देखा जाए तो पूर्व दिशा है और व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि स्वयं माने आपका सिर हो गया, व्यक्ति का स्वभाव हो गया, विचार हो गया, रंग रूप हो गया। अब यहाँ देखना है कि काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो प्रिय मित्रों, पहले मैं कुछ यहाँ अंक लिखा हूं, आप इसे सरलता समझिए। बहुत ही अद्भुत ये वीडियो में बताने चल रहा हूं कि यदि राहु आप देखें आपकी कुंडली में, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, 2 लिखा हो, 3 6 7 10 11 माने वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, अगर इनमें राहु बैठा हो और काल सर्प योग बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हानिकारक देगा। तो प्रथम भाव में अगर बैठा होगा तो यहाँ जो है अनंत काल सर्प योग का निर्माण होगा, लेकिन फल यहाँ व्यक्ति को अच्छा मिलेगा। जब राहु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्रदशा आएगा, व्यक्ति जो है अवश्य लाभ प्राप्त करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। अगर 2 अंक लिखा होगा तो 2 का स्वामी हो गया वृषभ, वृषभ माने शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु में काफी मित्रता है। और एक नियम बताना चाहूँ कि यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक बैठा हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, लेकिन जो मैं अंक यहाँ लिखा हूँ आप इसे समझ लीजिए कि 2 3 6 7 10 11 अगर ये अंक लिखा होगा और कहीं इसके स्थिति, इसके स्वामी की डिग्री अद्भुत बढ़िया, जैसे मान लीजिए 2 अंक लिखा होगा, 2 स्वामी शुक्र हो गए, तो कहीं शुक्र अगर अच्छी स्थिति में होंगे और शुक्र कहीं अच्छे मारक नहीं होंगे, शुक्र कहीं वक्री नहीं होंगे, शुक्र की जो है यहाँ जो है स्थिति देखा जाए 0 से 1 डिग्री नहीं होगा, 29 से 30 डिग्री शुक्र नहीं होगा, और राहु यहाँ बढ़िया बैठा होगा वृषभ राशि में और वृषभ के स्वामी अच्छी स्थिति में होंगे, तो जबरदस्त यहाँ लाभ मिलेगा व्यक्ति के जीवन में, उच्च पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र हो गया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु का काफी ही हद तक मित्रता बताया गया है और अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। अगर 3 अंक लिखा होगा प्रथम भाव में तो ये हो गया मिथुन, और राहु यहाँ मिथुन का उच्च बताया गया है, और मिथुन के स्वामी बुध, अगर बुध की स्थिति अच्छी रहेगी और कहीं राहु से बुध की दूरी 8 से 10 डिग्री की दूरियां होगा, तो राहु यहाँ पर मिथुन 3 अंक पर रखा बैठा होगा तो जबरदस्त व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, बहुत नाम रोशन करेगा। 6 माने कन्या राशि, यहाँ भी राहु अच्छा फल देगा। अगर तुला 7 लिखा होगा तो देखिए यहाँ के स्वामी शुक्र हो गए, और तुला का स्वामी शुक्र और राहु मित्र हो गया, और कहीं मैंने पहले बताया शुक्र स्थिति अच्छी हो, डिग्री बढ़िया होगा और राहु की 8 से 10 डिग्री की दूरियां होगा शुक्र से, तो जबरदस्त यहाँ काल सर्प योग का दोष का निर्माण अपने जीवन पर नहीं आएगा और अच्छे पद को व्यक्ति प्राप्त करेगा, बहुत लाभ करेगा, उनके जीवन में उच्च पद प्राप्त होगा। 10 11 अंक लिखा होगा तो मकर और कुंभ ये शनि हो गए, और राहु को भी वैसे ही शनि ही का प्रभाव बताया, कैसे? क्योंकि राहु देखिए शनि जो है परम मित्र है, क्योंकि राहु और शनि आपस में मित्रता रखते हैं, सेम रहते हैं, जैसे शनि का स्वभाव रहता है वैसे राहु का, जैसे शनि को वायु तत्व बताया गया है तो राहु को भी वायु तत्व बताया गया है। तो राहु शनि अगर मकर कुंभ राशि होगा, अंक लिखा होगा, राहु यहाँ कहीं बैठा होगा और कहीं शनि की
इनका स्वामी जो मकर कुंभ का स्वामी शनि हो गए और शनि की स्थिति कहीं अच्छे पद पर होगा, शनि की डिग्री बढ़िया होगा, शनि मान लीजिए वक्री नहीं होगा, शनि से मारक नहीं होगा और शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री नहीं होगा, तो यहाँ और राहु शनि की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी यानी कि जबरदस्त यहाँ व्यक्ति को राजा बना देगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा और ये काल सर्प दोष उनके जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा। प्रिय मित्रों कुछ मैं नीचे अंक लिखा हूं, यदि 1, 4, 5, 8, 9, 12 अगर ये अंक लिखा होगा और राहु यहाँ प्रथम भाव में बैठा होगा तो यहाँ अशुभ फल देगा, अवश्य देगा, क्योंकि एक अंक हो गया मेष राशि, इसके साथ मंगल हो गए, अगर राहु यहाँ मंगल के साथ बैठता है तो खतरनाक यहाँ योग बनाएगा, क्योंकि इसके स्वामी मंगल और राहु इनको अंगारक योग बताया गया है, काफी हद तक हानिकारक देंगे। और 4 अंक लिखा होगा तो इसके स्वामी चंद्रमा हो गए और राहु मैंने देखिए यहाँ 4 अंक में भी अशुभ योग बताया गया है, ग्रहण योग बताया गया है। अगर सिंह 5 अंक लिखा हो, राहु यहाँ बैठा हो 5 अंक पे, इसके स्वामी देखिए सिंह हो गए, सूर्य हो गए, राहु सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। 8 अंक लिखा होगा तो वृश्चिक राशि हो गया, इसके स्वामी मंगल हो गए, तो राहु यहाँ स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। अगर 9 और 12 माने गुरु धनु और मीन राशि अगर होगा तो यहाँ भी राहु गुरु को चंडाल योग ज्योतिष में बताया गया है, ऐसा स्थिति अंक होगा तो यहाँ लाभ अवश्य जीवन में नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों ये गड़बड़ी आप देखना, ये स्थिति बैठा हो, ये अंक हो 1, 4, 5, 8, 9, 12 माने मंगल माने मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन ये राशि होगा, कहीं इनके स्वामी यहाँ स्थिति गड़बड़ी होगी, जैसे राहु जब यहाँ बैठेगा अगर कहीं इनके ऊपर हावी होकर बैठे होगा राहु, और कहीं ये इससे मंगल चंद्रमा सूर्य गुरु अगर यहाँ बकरी होकर बैठे होंगे, अस्य मारक या इनके स्वामी कहीं भी बैठे हों 12 भाव में, यदि बकरी होकर बैठे हों या अस्य मारक होकर बैठे हों, यानी कि डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगी और राहु यहाँ बैठा होगा काल सर्प योग बनाता होगा, तो इनके जीवन में काफ़ी ही घटना निश्चित होगा, इनके जीवन में उथल पुथल कर देगा, तब ये पूर्ण काल सर्प बनेगा। और इनका मैं कुछ नियम लिखा हूं, जब ऐसी स्थिति पैदा करेगा तो काल सर्प योग का लक्षण क्या प्राप्त होता है, आपके जीवन में प्राप्त कैसे होगा, तो मैं यहाँ कैप्टन जंग लिखा हूं, पहले तो काल सर्प योग ऐसा नियम बनेगा तो पुत्र प्राप्ति में समस्या कर देगा, काल सर्प योग ऐसा बनता होगा तो पुत्र प्राप्ति में बहुत ही कठिनाई हो सकता है। दूसरा चीज विवाह में समस्या उत्पन्न कर देगा काल सर्प योग अगर होता है पूर्ण, तो सबसे पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उनके विवाह में काफी प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, जल्दी तय नहीं होने देगा, विवाह संपन्न नहीं होने देगा, कठिनाई पे कठिनाइयां बढ़ा देगा। और क्या करेगा, जीवन में दोषारोपण लगा देना, जीवन में इनके दोषारोपण लग जाए, इनके जीवन कोई छल कपट कर सकता है या तो ये किसी को छल कपट कर सकते हैं, क्योंकि राहु को पहले बताया गया पाप अपग्रह, मैं अन्य वीडियो में बताता रहता हूं कि राहु को सिर है पर पेट नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति भोजन करे और उसका पेट न रहे तो पेट कभी उसका तृप्त होगा नहीं, उसका मन कभी तृप्त नहीं होगा, इसलिए राहु जो है छल कपट भी है। जो मैंने अंक बताया जब राहु अशुभ होकर के बैठ के काल सर्प योग बनाएगा तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल आ जाएगा, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, व्यक्ति नशा कर सकता है और व्यक्ति किसी के साथ छल कपट कर सकता है, दोषारोपण लगा सकता है और उनके जीवन में स्वयं दोषारोपण लग जाना। और इनके साथ क्या होता है, जिनका काल सर्प योग प्रथम भाव रहता बनता है तो परिवार के लोग साथ नहीं देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के सामने ऊपरी बाधा समस्या जैसे बुरे सपना आना और सपने दिखना, गड़बड़ सपने दिखना और जीवन में हमेशा इनके भय लगा रहता है, डर लगा रहा है, डर लगेगा हमेशा, और इनको भय क्या होगा, मृत्यु का भय कि मेरी मृत्यु न हो जाए, कोई भयंकर बीमारी न हो जाए, बीमारी का भय, और इनको धीरे धीरे घबराहट हो जाता है। अगर राहु अशुभ होकर के काल सर्प योग बना रहा है, यहाँ मैं कुछ अंक लिखा हूँ आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 6, 7, 10, 11 इस स्थिति में राहु बैठा होगा और इनकी जो स्वामी है इन राशियों का अच्छी स्थिति में होगे तो राहु कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। अगर 1, 4, 5, 8, 9, 12 अंक लिखा होगा और राहु यहाँ बैठ के काल सर्प योग बनाता होगा तो यहां अगर इनके स्वामियों की स्थिति गड़बड़ होगी या वक्री होंगे या इनकी डिग्री जो है कम होगा या मार्केस होकर बैठे होंगे, राहु यहां हावी होकर बैठा होगा तो काफी हद तक ये सब जीवन में लफड़ा को ला देगा, विवाह प्रॉब्लम कर देगा, व्यक्ति को मानसिक बीमार कर देगा, राहु घबराहट दे सकता है, हॉस्पिटलाइज कर माने हॉस्पिटल भेज सकता है, दवाखाना भेज सकता है, पागल भी बना सकता है राहु, ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। प्रिय मित्रों देखिए 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है, मैं प्रथम भाव को बताने चलूंगा,
ऐसी स्थिति पैदा होता हो तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए, घबराना कतई नहीं चाहिए। पहले 12 काल सर्पों का मैं नाम बता रहा हूं, देखिए प्रथम भाव में काल सर्प योग मनुष्य होते हैं अनंत काल सर्प योग, द्वितीय भाव में कुलिक काल सर्प योग, तीसरे में वासुकी काल सर्प योग, चतुर्थ में शंखपाल काल सर्प योग, पंचम में पद्म काल सर्प योग, अष्टम में महापद्म काल सर्प योग, सप्तम में तक्षक काल सर्प योग और अष्टम में कर्कोटक काल सर्प योग, नवम में शंखचूर्ण जो है शंखचूर्ण काल सर्प योग, दशम में घातक काल सर्प योग, एकादश में विषधर काल सर्प योग और द्वादश भाव में शेषनाग काल सर्प योग। ये 12 भाव हैं और 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि प्रथम भाव में अगर काल सर्प योग का निर्माण ऐसा बनता होगा और जो मैं नियम बताऊं, अगर आपके जीवन में ऐसा स्वप्न आता होगा या घबराहट होता होगा या कोई भयंकर बीमारी या मृत्यु का भय या परिवार का सपोर्ट न मिलता हो तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए, आप इसे नोट डाउन करिए। पहले देखिए काल सर्प योग में पहले बताया कि राहु और केतु से बनने वाला काल सर्प योग होता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले राहु और केतु का जप कराना चाहिए। जैसे राहु का ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें और केतु का ओम किं केतवे नमः इस मंत्र का जाप करके इनका विधि विधान से यो है हवन दशान से त्याग करें। और क्या करना चाहिए, नाग चांदी का नाग नागिन हो तो इनका भी अच्छे किसी ब्राह्मण से बुला करके पूर्ण काल सर्प दोष, माने यही राहु केतु हैं, काल सर्प दोष दूसरा नहीं, राहु केतु का विधान से जप हवन इत्यादि और सर्प की पूजा करें, उसके बाद बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। दूसरा चीज क्या करना है, देखिए सर्प रहता कहाँ है, सर्प भगवान शिव जी के गले में रहता है। एक श्लोक है आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो भगवान शिव को धारण करते हैं, भगवान शिव जी स्वयं सर्प को गले में धारण करते हैं। तो सबसे मुख्य बताया गया है यदि कोई शिव जी की पूजा करे या कोई ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजा करे या कोई नजदीकी कोई शिव मंदिर हो वहां जाकर के लिए राहु केतु यानी काल सर्प दोष शांति कराए शिव जी के मंदिर में या बहता हुआ कहीं सरोवर तालाब पानी हो पीपल का वृक्ष हो तो वहां अद्भुत फल मिलता है। तो इसमें करना क्या है कि आप जो है रुद्रा अभिषेक कराएं और ये राहु केतु का जब शांति कराएं, बहते हुए जो सर्प की आप पूजा करेंगे पानी में प्रभावित करें और अगर समय मिले तो महामृत्युंजय अवश्य करें। अगर पूर्ण काल सर्प योग बनता हो तो इसका विधान बताए 125,000 महामृत्युंजय मंत्र अपने लिए अवश्य कराएं तो अद्भुत फल मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, ओम ह्रम ओं जों स भूर्भुवस्व त्र्यंबकं यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम धनम प्रत्योर्मुक्षीमामता भूर्भुवस्वरं जों स ह्रम ओम, इस मंत्र का आप अपने लिए जाप कराएं। अगर आप 125,000 नहीं करा सकते हैं तो 33,000 कराएं, नहीं तो 54,000 कराएं, नहीं तो 11,000 कराएं, लेकिन अपने लिए अवश्य कराएं। लेकिन राहु केतु का पहले काल सर्प दोष शांति यानी जप पूजा इत्यादि करने के बाद अपने लिए जप कराएं और रुद्राभिषेक कराएं तो इससे अद्भुत फल मिलता है और इनका दोष कभी अपने जीवन में लगता नहीं। दूसरा चीज क्या है, प्रथम भाव में जिसका काल सर्प योग बनता होगा उनको क्या करना चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष का माला अवश्य धारण करें क्योंकि ये भी बहुत लाभकारी होता है। प्रिय मित्रों आज हमने प्रथम भाव को बताया कि काल सर्प योग बनता होगा तो क्या लाभ मिलता है और क्या अशुभ फल मिलता है, इनका उपाय इनका निदान संपूर्ण जानकारी मैंने प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में द्वितीय भाव को लेकर प्रस्तुत होगा। प्रिय मित्र वीडियो आपको अच्छा लगा उसे लाइक करें सब्सक्राइब करें, अगले फिर मिलते हैं, नमस्कार।